आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। वैसे तो बिरयानी बहुत से तरीकों से बनती है, लेकिन सिंपल चिकन बिरयानी कैसे बनेगी और मैं खुद घर पे कैसे बनाती हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैंने कुछ टिप्स दी हैं, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद है आपकी बिरयानी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसके लिए सबसे पहले हम बिरयानी मसाला हमें बनाएंगे। साबुत धनिया चाहिए 3 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा चाहिए 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च साबुत 1 खाने के चम्मच, बादियान के फूल 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 4 से 5 अदद, हरी इलायची 2 चाय के चम्मच भर के, जायफल 2 से 3 पत्ते, बे लीफ यानी के तेज पत्ते हमें चाहिए 3 से 4 अदद, दालचीनी के टुकड़े हमें चाहिए 3 अदद, 1 इंच के टुकड़े आप 3 अदद ले लें, क्लव्स यानी के लौंग हमें चाहिए, यहाँ पे आप देख सकती हैं 2 टीस्पून ही लौंग मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, 2 चाय के चम्मच, ये आप देख सकती हैं 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं, ये सिट्रिक एसिड है, ये मैं हाफ टी स्पून यूज़ करूँगी, अगर नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी हाफ टी स्पून यूज़ कर सकती हैं, हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे 1.5 खाने के चम्मच यानी कि 1.5, 3 खाने के चम्मच हम सूखा मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, नमक हम हसबे जायका ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून अपने जायके के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने कोर्सली से ग्राइंड नहीं करना, बस इतना ग्राइंड करना है कि ये पाउडर सा थोड़ा सा बन जाए, क्रश कर लेना है आपने इसे, ये आप देख सकती हैं इस तरह करके हमने मसाला बना लेना है। और अब हम इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद सूखे हुए आलू बुखारे इसमें ऐड करेंगे, सूखे हुए आलू बुखारों के साथ थोड़ा सा नमक भी इसमें चला गया है, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा होममेड बिरयानी मसाला रेडी है। अगर आप चाहें तो आप शानिया नेशनल का जो बॉम्बे बिरयानी मसाला होता है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। याद रखें कि आप सिंपल अगर यूज़ बिरयानी करना चाहती हैं तो बॉम्बे बिरयानी मसाला यूज़ करें। चिकन मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अदद, जिसे मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिया है, एक चिकन को तकरीबन 8 पीसेस में मैंने कट किया है। इसके ऊपर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून यानी कि 3 खाने के चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये दही है ये हम इसमें ऐड करेंगे 240 या फिर 250 ग्राम तकरीबन 1 कप के करीब, ये दही हम इसमें ऐड करेंगे, दही हमने इसमें शामिल कर लिया है। याद रखिए कि ये जो मैं आपको मेजरमेंट्स बता रही हूँ ये तकरीबन 2 किलो चावल के लिए है, ये मैं 2 किलो चावल बना रही हूँ। अगर आपको 1 किलो बनाने यानी कि 4 कप बनाने हैं तो आप मेजरमेंट्स को हाफ भी कर सकती हैं, पूरे प्रोसीजर में आप मेजरमेंट को हाफ कर लें। इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, जो हमने बिरयानी मसाला रेडी किया था वो हम सारे का सारा इसमें ऐड करेंगे। मैं फिर से बताती जाऊँ कि ये सारा मसाला 8 कप्स राइस के लिए है। थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, आप चाहें तो येलो ऐड कर लें, मैं यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड करी हूँ। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन के ऊपर, सारे का सारा मसाला हमने अच्छे से लगा लेना है और इसे हमने मैरिनेट कर लेना है तकरीबन 2 से 3 घंटे। अगर आप ज़्यादा मैरिनेट नहीं करना चाहती हैं तो आप कम से कम आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद इसे आप कुक कर सकती हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें ऑयल अच्छे से गर्म करेंगे और इसमें तकरीबन 3 अदद कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, इस तरह बारीक स्लाइस में कट करके हमने प्याज ऐड कर लेने हैं और अब हम इसे ब्राउन करने पर उतार लेंगे। अच्छे से जब ये ब्राउन हो जाए तो इसके बाद हम इसे किसी छलनी में निकाल लेंगे ताकि ये क्रिस्पी ही रहे और सोगी ना रहे।
प्याज को ब्राउन कर लेने के बाद आपने किचन पेपर, किचन टॉवल किसी पे ऐसी चीज़ पे नहीं निकालना, इस तरह किसी छलनी में हमेशा निकाल लेना है। और फिर इसके बाद इसको किसी पेपर टॉवल पर आपने फैला के डाल लेना है, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ऑयल जो है वो मैंने इसमें से कम कर लिया है, तकरीबन आधा कप ऑयल मैंने इसमें छोड़ दिया है। और इसी में मैं मेरीनेट की हुई चिकन ऐड करूँगी। ये हमने इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर लिया है सारे का सारा, और जो बीच में मसाला रह गया था तो वो हम इसके ऊपर सारा डाल लेंगे इस तरह करके। और अब हम इसे तेज़ आंच पर कुक करेंगे। तेज़ आंच पर तब तक हमने इसे कुक कर लेना है जब तक कि ये सारे का सारा मसाला चिकन के ऊपर अच्छे से लग ना जाए और ऑयल इसे अलग ना हो जाए। दही का अपना पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल इससे अलग होना शुरू हो जाएगा। तेज़ आंच पर आपने इसे कुक करना है, बीच बीच में आप हिलाते जाएं। और ये आप देख सकती हैं कि ये चिकन जो है तेज़ आंच पर हमने इसे कुक कर लिया है। ये याद रखिए कि स्टेज पर चिकन अंदर से कुक नहीं हुआ होगा, सिर्फ ऊपर से इसके ऊपर मसाला लगा हुआ होगा। और ये ऑयल इससे अलहदा हो गया है। अब हम इसमें ब्राउन की हुई प्याज ऐड करेंगे। जो हमने ब्राउन प्याज ली थी तो उसमें मैं तकरीबन एक कप यहाँ पर ब्राउन की हुई प्याज मैंने ली है, और इस तरह करके इसे अच्छे से क्रश करके इसमें मैंने ऐड कर लिया है। चूरा करके आपने ब्राउन प्याज को इसमें ऐड कर लेना है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 अदद टमाटर, जो नरम टमाटर होते हैं, याद रखिए कि आपने नरम टमाटर लेने हैं, 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पे इस तरह करके कट कर लिए हैं, वो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। अगर मीडियम साइज़ के टमाटर हों तो आप 6 अदद भी ले सकती हैं। अब हम इसे भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे भून लेना है, और तब और इसके बाद हमने इसे ढककर पकाना है जब तक कि चिकन अच्छे से गल ना जाए। इसी स्टेज पर हमने चिकन को अपने पानी में और टमाटर के पानी में गला लेना है। जब चिकन गलने के करीब हो जाए तो अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्ची हमने इसमें ऐड कर लेनी है तकरीबन 5 से 6 अदद। अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्चों को बीच में से कट कर लें। मैं यहाँ पे साबुत इसमें ऐड करी हूँ। ये चिकन हमारा तैयार है, लेकिन इसमें स्टिल अभी थोड़ा सा पानी बाकी रह गया है, तो मैं इसमें इस टाइम इस इसका जो इसकी जो आंच है वो मैं तेज़ कर लेती हूँ। आंच हम तेज़ कर लेंगे और इसे कुक करेंगे ताकि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए और इसका जो ऑयल है वो इससे अलग हो जाए। चिकन हमारा कुक हो गया है, और ये आप देख सकती हैं कि चिकन की जो ग्रेवी है वो थिक होनी शुरू हो गई है, ऑयल इससे अलग होना शुरू हो गया है। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ी थोड़ी ग्रेवी इसमें होनी चाहिए, आप देख सकती हैं साइड पे हल्की सी इसकी ग्रेवी है। इसके ऊपर मैं बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करी हूँ, और साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड करी हूँ। और ये हमारी चिकन रेडी है। चिकन को हम साइड पर रखेंगे। चिकन हमारा बिल्कुल भी रेडी है तेल लगाने के लिए। अब हम इसे साइड पर करेंगे। अब हम चावल यहाँ पे मैं लूँगी तकरीबन 8 कप। मैं यहाँ पे बासमती चावल ले रही हूँ, याद रखिए लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल ही आपने लेने हैं। चावलों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। एक अलग बर्तन में हम पानी डालेंगे, काफ़ी सारा पानी हमने डाल लेना है। 4 अदद हमने इसमें बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद बादियान के फूल और काली मिर्ची मैं यहाँ पे 2 टीस्पून भर के यूज़ करूँगी। आप टेस्ट के हिसाब से कम भी ऐड कर सकती हैं। बेलीव्स यानी कि तेज पत्ते हम इसमें 2 अदद डालेंगे। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने काली मिर्ची इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड की हैं। अगर आप कम ऐड करना चाहती हैं तो आप कम भी ऐड कर सकती हैं। आप इसमें लौंग भी ऐड कर सकती हैं, 2 से 3 अदद। ये देखिए ये पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। याद रखें कि चावलों को आपने 10 से 15 मिनट ही भिगोना है, इससे ज़्यादा आपने इसे नहीं भिगोना। और चावल आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस आप ले लें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इससे बिरयानी बनती है। इसमें मैं चाइनीज सॉल्ट ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून भर के। नमक आप हसबे जायका ऐड कर लें, मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। सफ़ेद सिरका हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। ये चावलों को अलग अलग रखेगा,
और इसके साथ ही हम इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, ये भी चावलों को जुड़ने से बचाएगा। अब हम इसे कुक करेंगे। याद रखिए कि इसी स्टेज पर आपने इसे चढ़ा के बिल्कुल आपने इसे भूल नहीं जाना है, आपने इसे चेक करते रहना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा कुक हो गए तो आपकी बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये आप देख सकती हैं कि ये इतना इसे आपने कुक करना है कि ये तकरीबन दबाने से इस तरह करके टूट रहे हों। ये आप देख सकती हैं, इस तरह करके आप एक चावल ले लें और इसे दबा लें इस तरह। ये आप देख सकती हैं, इस तरह करके आपने चावलों को चेक कर लेना है। तकरीबन 80% तक ये कुक होना चाहिए, इसे ज़्यादा आपने इसे कुक नहीं करना। और अब हम इसे छलनी में से छान लेंगे। इसके ऊपर आपने कोई भी पानी वगैरह आपने इसमें ऐड नहीं करना, ये चावल इसी तरह ही गर्म रहने चाहिए। चावलों को टेम्परेचर आपने बिल्कुल भी डाउन नहीं करना, चावलों को अच्छे से आपने छान लेना है। और छानने के बाद ये आप देख सकती हैं कि मैं गर्म गर्म ही इसमें डाल रही हूँ। एक बड़ा पतीला लेंगे और इसमें हम इस तरह करके चावलों की तह लगाएंगे। एक ये एक तह जो पहले वाली तह होती है ये आपने मोटी लगानी है, यानी आपने काफ़ी ज़्यादा चावल आपने पहले वाली तह में आपने लगाने हैं। और इस तरह करके हम इसे लेवल कर लेंगे। लेवल कर लेने के बाद हम इसके ऊपर जो चिकन का मसाला हमने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर डालेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे नमक कम लगा इसमें। चिकन का मसाला इस स्टेज पर हम इसके ऊपर इस तरह करके आधा मसाला मैं यहाँ पे इसके ऊपर डालूंगी। चिकन हमने इसके ऊपर डाल लिया है। अब हम इसके ऊपर दूध डालेंगे। ये दूध मैंने गरम कर लिया है, दूध अच्छे से गरम होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके ऊपर ये दूध डालेंगे और इसी दूध के ऊपर हमने लेमन जूस यानी के लीमू जो होता है उसका जूस हमने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह इसके ऊपर इस तरह करके फैला के हमने डाल लेना है। जब दूध और ये लेमन जूस एक साथ मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है और ये पनीर जैसा इसका टेक्सचर बनता है, तो इससे चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। दूसरी तह भी हमने चावलों की लगाई है चावल के ऊपर। इस तरह करके हमने चिकन का जो मसाला है वो सारा के सारा हमने इसके ऊपर डाल लिया है और बिल्कुल इसी तरह दूध और जो लेमन जूस था तो उसका भी हमने इसके ऊपर इसी तह के ऊपर। लास्ट जो हमारी हमारा चावलों का एक तह होगा तो इसके ऊपर हमने कलर डाल लेना है। उसी तरह दूध, लेमन और थोड़ा सा कलर हमने पानी में मिक्स करके इसके ऊपर डाल लेना है जो आखिरी लेयर होगी। ये केवड़ा वाटर है, क्योंकि आप में से बहुत से पूछ रहे थे कि केवड़ा वाटर क्या होता है, तो आज मैंने आपको इसकी बॉटल भी दिखा दी है। ये केवड़ा वाटर हम इसके ऊपर तकरीबन 1 टेबल स्पून डालेंगे। ये पिघला हुआ घी है, ये इसके ऊपर मस्ट होता है। अगर आप इसके ऊपर पिघला हुआ घी डालना चाहती हैं तो आप नॉर्मल घी भी डाल सकती हैं। अगर आपको देसी घी का फ्लेवर पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। इससे चावल बहुत ही खिले खिले से रहते हैं। पिघला हुआ होना चाहिए 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून आप इसके ऊपर डाल लें। इसके ऊपर ब्राउन की हुई प्याज मैं ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल। अगर आप नहीं ऐड करना चाहती हैं तो आप इसे स्किप कर लें। अब हम एक मोटा कपड़ा लेंगे और चावलों के ऊपर इस तरह करके ढककर इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। ढक्कन के ऊपर आप कोई वजनी चीज़ भी रख सकती हैं या फिर आप इसे एज इट इज़ भी रख सकती हैं। और इसे अब हम दम पे रखेंगे, पहले के 5 मिनट तेज़ आंच पर और बाद के 10 मिनट हमने इसे स्लो आंच पर दम पे रख लेना है। और 15 मिनट दम पर रख लेने के बाद हमारी बिरयानी तैयार है। इसे आपने इसमें बहुत ज़्यादा चमचा आपने नहीं चलाना, इसी तरह साइड से खोल लेंगे और इसे हम डिश में निकाल लेंगे। किसी भी सर्विंग प्लेट पर या सर्विंग डिश पर आपने इसे निकाल लेना है और इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे हम कोकम्बर से, या फिर आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की कोई भी आप गार्निशिंग कर सकती हैं। तो ये हमारी डिलीशियस बिरयानी तैयार है। इसके ऊपर मैंने थोड़े से ब्राउन किए हुए प्याज ऐड किए हैं और हरा धनिया और हरे पुदीने से मैंने इसे गार्निश किया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी में कोई भी बात हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद ही नहीं आती तब भी आप मुझे अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपने आप को बेटर कर सकूँ।
नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ आप सबसे मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।